गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हमें वीडियो में क्या पढ़ेंगे? मैथ बुक पेज नंबर 7 समझाऊंगी, ठीक है? मैथ बुक कितना है? पेज नंबर 7 है ना। अच्छा, इसमें क्या लिखा है बच्चे? देखो, लिखा है MANY मैनी। क्या है? मैनी। मैनी मीन्स ज्यादा। FEW मीन्स कम, ठीक है? ज्यादा और कम। ये देखो, ये ज्यादा है ना, इससे ये 1 2 3 4 5 ज्यादा है, ये 1 2 3 कम है ना। अच्छा देखो, टिक द पिक्चर व्हिच हैज मेनी एंड क्रॉस द वन व्हिच हैज फ्यू, ठीक है? जो मेनी है उसमें क्या करेंगे हम? टिक लगाएंगे। क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। जो क्रॉस है कहाँ लगाएंगे? हाँ, फ्यू कम जो है उसमें क्या लगाएंगे? क्रस फ्यू। हाँ, अच्छा ये देखो, ये बनाना है, ये 1 2 3 यानी ये मैनी है, ज्यादा है, तो हम इसमें क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। ये देखो बनाना, 1 बनाना है यानी इससे कम है, तो हम क्रस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्रस, ठीक है? अच्छा इस तरह देखो, ये ग्रेप्स है, कितना सारा है ना, तो इसमें ये मैनी है यानी ज्यादा है, तो हम इसमें क्या करेंगे? टिक लगाएंगे, ठीक है? मैंगो एक है ना, तो इससे कम है ग्रेप्स, तो इसमें क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। हाँ, इस तरह देखो, ये जो टफी है ये कितना? 1 2 3 यानी इससे ज्यादा है, ये 1 है यानी कम है, फ्यू है, ये मैनी है, तो मैनी जो है तो हम क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। ये क्रॉस है ना, तो ये फ्यू है इसलिए क्रॉस लगाएंगे, ठीक है? अच्छा ये देखो, ये टमाटो कितना है? 1 2 3 यानी मैनी है, तो हम टिक लगाएंगे। और ये टमाटो, एक टमाटो है यानी फ्यू है, तो हम क्रॉस लगाएंगे, ठीक है? इस तरह जो मैनी है, जो ज्यादा है, तो उसमें हम क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। जब फ्यू है, कम है, तो उसमें हम क्रॉस लगाएंगे, ठीक है? इस तरह देखो, ये लिखा है इन, IN इन। इन मीन्स अंदर। OUT आउट मीन्स बाहर। हाँ देखो, ये इन अंदर है, मछली पोट की अंदर है। हाँ, इन द पोट की अंदर है, आउट ऑफ द पोट की बाहर ये मछली है ना। अच्छा, द टेक द ऑब्जेक्ट व्हिच इज एंड क्रॉस द वन व्हिच इज आउट। ये जो टिक है तो कहाँ हम टिक लगाएंगे? इन में। हाँ, और क्रॉस जो है कहाँ लगाएंगे? आउट में। कहाँ? आउट में, ठीक है? अच्छा ये देखो, ये जो है पैरट है, ये बाहर है, तो हम क्रॉस लगाएंगे। ये जो पैरट है अंदर है ना, केज के अंदर है, पिंजरे के अंदर है ना, तो हम इसमें टिक लगाएंगे, ठीक है? अच्छा, ये जो किताब है बैग से बाहर है ना, तो हम क्रॉस लगाएंगे। ये जो किताब है, देख रहे हो, देखो ये बुक बैग के अंदर है, तो हम टिक लगाएंगे, ठीक है? इन मीन्स अंदर, आउट मीन्स बाहर। ये देखो, ये जो रैबिट है, ये देखो, ये अंदर है ना, बॉक्स के अंदर, तो हम टिक लगाएंगे, ठीक है? और ये जो रैबिट है वो बाहर है, तो हम क्रॉस लगाएंगे, ठीक है? ये देखो, ये डग है ना, ये डग पानी के अंदर है, हाँ, तो हम टिक लगाएंगे। ये जो डग है वो बाहर है, तो हम क्रॉस लगाएंगे, ठीक है? इस तरह किसमें टिक लगाना है और किसमें क्रॉस लगाना है, मैं समझा दूँ, ऐसे करना है। इन मीन्स क्या है? अंदर। क्या है? अंदर। आउट मीन्स बाहर, ठीक है? ये जो है बाहर है तो क्रॉस लगाएंगे, अंदर जो है टिक लगाएंगे। ये बुक है बाहर, क्रॉस लगाएंगे। ये है अंदर बुक, तो हम टिक लगाएंगे। रैबिट अंदर है ना, बॉक्स के अंदर, तो हम टिक लगाएंगे। ये खरगोश, ये जो रैबिट है बाहर है, तो हम क्रॉस लगाएंगे, ठीक है? ये जो डग है, डग ये पानी के अंदर देखो है, तो हम टिक लगाएंगे। ये डग बाहर है,
हाँ, पानी से बाहर है तो हम क्रॉस लगाएंगे। इस तरह मैथ पेज नंबर 7 और 8 दो पेज इस तरह आप लोग भरना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो मुझे पूछना, मैं कमेंट बॉक्स में समझा दूंगी, ठीक है बच्चे। ओके बच्चे, थैंक यू बच्चे।